आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बावजूद दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को सरसों तेल तिलहन में साधारण सुधार देखने को मिला, जबकि वैश्विक बाजारों में कमजोरी की वजह से पामोलिन और सोयाबीन तेल की कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 3.5% की गिरावट थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 1% की। सूत्रों का कहना है कि विदेशी तेलों, विशेषकर की कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल के दाम काफी महंगे हैं और इनके लेवाल नहीं है। इन तेलों की कमी फिलहाल सरसों से पूरी की जा रही है। पिछले सालों में किसानों को तिलहन का अच्छा दाम मिलने से इस बार सरसों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरसों की खपत भी बढ़ रही है और बृहस्पतिवार को मंडियों में सरसों की आवक लगभग 10 लाख बोरी की भी देखने को मिली थी। वहीं सहकारी संस्था हाफेड और नेफेड को बाजार भाव से सरसों की खरीद कर स्टॉक कर लेना चाहिए, जो कठिनाइयों के दिनों में देश के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जब आयातित तेल महंगे बिक रहे हों तो ऐसे में MSP पर सरसों की खरीद करना मुश्किल होगा, इसलिए बाजार भाव पर इसकी खरीद करने की जरूरत है। आयातित तेलों के महंगा होने के कारण इसकी कमी को फिलहाल सरसों और मूंगफली के जरिए पूरा किया जा रहा है। ज्यादा दबाव सरसों पर है और पैदावार अधिक होने के कारण ज्यादातर स्थानों पर इसका रिफाइंड भी बनाया जा रहा है। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल, तिलहन और बिनौला तेल के भाव पूर्व स्तर पर बने रहे, जबकि विदेशी बाजार में गिरावट के कारण सोयाबीन तेल की कीमतें हानि दर्शाते बंद हुई। तेल कीमतों की घटबढ़ और आयात पर निर्भरता कम करने का स्थायी एवं सुरक्षित उपाय देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाना ही हो सकता है। आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वे उत्पादन बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, जो इस बार सरसों का उत्पादन बढ़ने से साबित होता है। इसके लिए सरकार की ओर किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का आश्वासन देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।